नाश्ता लगा दी? लगा दिया। शाम को तैयार रहना, ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? हमें आज दावत में जाना है ना, फजीलाबाजी के यहाँ भूल गई? मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? हम कमिटमेंट कर चुके हैं, अब नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कमिटमेंट तो बहुत सारी चीजों की हो चुकी है, वो भी तो कैंसिल हो गई है ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस कैंसिलेशन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। इस कैंसिलेशन के पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। लोग मुझसे ना जाने की वजह पूछेंगे और वजह जानने के बाद आपकी तो तारीफ कर देंगे आपके मुंह पर मेरे लिए पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे? हमने एक नेकी का काम किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया? जी मगर नेकी का काम तो आपने किया है ना, मैं तो सबको प्लानिंग्स बताती फिर रही थी। अच्छा ठीक है, फिर हम नहीं जाते, आप कम से कम मेरे साथ बैठकर नाश्ता तो करो। मुझे भूख नहीं है। नायला प्लीज, अब इस तरह खाने पर तो अपना गुस्सा मत निकालो ना, प्लीज बैठो ना। कब का मैं नाश्ता नहीं कर रही, मैं खाना नहीं खा रही, भूख लगी तो खा लूंगी ना। आप नाश्ता करें, आपको देर हो रही है। लड़की है, सारी सिचुएशन जानने के बाद भी कम से कम फोन तो उठाओ यार। दैट्स नॉट फेयर, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जैसे खुद ने तो बहुत अच्छा किया ना मेरे साथ। फजीला बाजी भी फोन कर रही हैं, क्या बोलूं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम फजीला बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थी नायला, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। वो बस थोड़ा बिजी थी। हाँ हाँ भाई, जाने की तैयारियाँ हो रही होंगी। कौन सी तैयारियाँ फजीला बाजी, कहीं नहीं जा रहे हम। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ, किस्मत ही खराब है मेरी। नायला क्यों परेशान कर रही हो, बताओ तो सही हुआ क्या है।
वो जुनेद की कुली का बेटा है ना, अगर मदद ही करनी थी तो सब ऑफिस वाले मिलके थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर लेते, हो जाती मदद। जुनेद को ही सारी रकम देने की क्या जरूरत थी उसके इलाज के लिए? वही तो, इसीलिए तो मैं नाराज हो गई। भाई सगे रिश्ते इतनी हेल्प आउट नहीं करते, ये है कि पता नहीं तुर्रम खां बनते रहते। खैर खुद ही परेशान हो रहे हैं ना, मैं भी फोन नहीं उठा रही, करते रहे फोन। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। 2-4 दिन तुम ऐसे ही मुंह बना के रखना ताकि उसकी अकल ठिकाने आए और उसे नसीहत हो। 2-4 दिन? मैं तो पूरा महीना बात नहीं करूंगी। अभी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी ये पैसे करे मुझे टर्की जाना, और जब तक मैं टर्की नहीं जाऊंगी ना तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगी। बिल्कुल सही है, और करना भी यही चाहिए। पहला इंसान देखा है जो अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की भलाइयों में लगा हुआ है। नाक तो मेरी कटवा दी ना, पूरी फैमिली में नाक कटवा दी मेरी, कितनी बेइज्जती होगी, सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, खासतौर पे वो नाहिद पप्पू, कितना मेरा मजाक उड़ाएंगे वो लोग अपने घर में। हाँ तो भाई उसने बातें बनाने का मौका जो दिया है। अच्छा खैर सुनो, तुम ना वक्त पर आ जाना, तुम्हें बताया था ना 9 बजे डिनर का टाइम है, सब आ जाएंगे मेहमान। फजीला बाजी मेरा दिल इतना खराब हुआ है, अब आपके ससुराल का मामला है और इस तरह मुंह बना के बैठूंगी, इतना मूड खराब होगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ जुनेद ने भी तो ज्यादती की है ना, किसी और का भला करने में कोई अपनी खुशियां थोड़ी ना कुर्बान करता है। बातें तो बनाएंगे लोग, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं आती, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो ठीक है, क्या कर सकते, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। थैंक यू फजीला आप ही। चल अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।